नमस्कार भाइयों, गेहूं काट ली गई है और तूड़ी भी बना ली है। अब तूड़ी महंगी हो रही है, इसलिए हरा चारा 3 किले इधर बीज रहे हैं। कल तक इसको तैयार कर देंगे। हमारी ज़मीन चारों तरफ घरों से घिरी हुई हुई है, आप देख सकते हैं। जी पूरी तैयारी है, कल को आग लगा देंगे। तीन एकड़ का बीज। तीन एकड़ का बीज आ गया है हमारे पास। वो पिताजी अब केर रहे हैं, बो रहे हैं, इसके वैसे फेंक देंगे, उसके बाद पानी लगाएंगे, सुहागा लगा देंगे। जो सभी जगह जमीन हरा चारा ही बीजना है। थोड़ी बहुत महंगी हो गई है भाइयों, इसलिए हरा चारा बीज भी लें, कुछ पशुओं के लिए या कुछ बेचने के लिए, इससे किसान का खर्चा चलता रहता है। जैसे देखो भाइयों, 9000 का बीज लग गया है 3 एकड़ में। एक कट्टा खाली कर दिया है और एक कट्टा और लेके आएंगे। बहुत ज़्यादा मेहनत है इसमें, देखो कैसे किसान मेहनत कर रहे हैं, मशीन के बिना कर रहे हैं। 3 एकड़ में कैसे घूमना, बहुत ही कठिन काम है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। अब ये जो सारा ट्रैक्टर से ज़मीन खोदी हुई, उसको सभी को बीजने हैं। कितना एरिया है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा रहा है। ठीक है, लड़के को भी साथ में लगाया गया है कि जल्दी काम हो जाए। हरियाणा वाले भाई वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जो भी हरियाणा सिरसा से हैं, वीडियो देख रहे हैं भाई, ज़रूर लाइक करें। देखो भैया, ट्रैक्टर भी लग गया है बड़ा भाई, ट्रैक्टर पर सुहागा फिर। लो जी, वट्टा पा रहे हैं अब पानी लगाने के लिए। ये डाल दी गई, देखो भाई, वट्टा बाल्टी डाल दी गई हैं और पानी लगाएंगे। ऊपर से बादल भी गरज रहे हैं, क्या पता बारिश आ जाए। अभी साथ में ही आ गई है, बादल गरजने लगे हैं। पानी अब भगवान ही लगाएगा इस खेत को। मौसम पूरा सुहावना बन गया, बारिश हो रही है। रात के 11 बज गए हैं, पानी लगाने आए हैं खेत में। ये डॉग भी हमारे साथ आया बेचारा, अभी चलाएंगे 5 मिनट में मोटर। उधर डैडी बैठे हैं पीपल के नीचे, माता के मंदिर के। सुबह हो गई है, मोटर चल रही है। पूरे जोर से पानी चल रहा है। उधर पिताजी लगे हुए हैं, देखते कितना पानी चल गया।
कुछ क्यारे भर गए हैं, कुछ भरने वाले हैं। अब लाइट जाने वाली है, घंटे बाद आई शाम को भरें। देखो जी, तोड़ी खत्म होने के बाद लोग डंगरों को ऐसे ही छोड़ रहे हैं खुले में ही। आ देखो, संगल समेत ही गांव छोड़ दी किसी ने। तोड़ी की बढ़ती कीमत के साथ पशुओं का बहुत बुरा हाल हो गया है। और जड़ी गां गली चवारा तुरी जानती थी, अब इसका घर मिल गया है, जो घर में ले आई हैं। अब माता से पूछते हैं इसे क्यों छोड़ा गया था, क्या कारण था। की गल माता, गांव का तो छड़ता है, की चक्कर से? और तो की करा, बुढ़ी है गई, तुड़ी कोई दंदा नहीं गा, 6000 नो ट्राली है। तुड़ी बनवाई नहीं? ना पता बनाई नहीं गी। की रेट मांगते हैं? 6000 रुपया ट्राली का मांगते हैं। 6000 तो पड़ा है। ते हुन कणक मुल लईए के तुड़ी लईए, की लईए? बड़ा औखा हो गया गरीबां दा यार। ते हुन ना कोई छड्डन दिंदा, की कर गए बेचारे। बस आई है तौड़ी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ? ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੂੜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਡ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰਾਣੀ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਕਟੋਕਰੀਆਂ। ਠੀਕ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ, ਮਸਾ ਲਿਆਈ ਮਿੰਟਾ ਮੁੰਟਾ ਕਰਕੇ। ਚਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਮਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਨੇ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਤੂੜੀ ਤਾੜੀ ਦੀ ਪੰਜ। ਕੀ ਕਰੇ ਪੁੱਤ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਊਗਾ। ਕੋਈ ਭਲਾ 2-4 ਪੰਡਾ ਹੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇੰਨੇ। ਚਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੋਈ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਕੋਈ ਸਤਾ ਸਕੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਚੱਲ ਡੰਗਰ ਤੇ ਨਾ ਭੁੱਖੇ ਮਰ। ਆ ਤੁੜੀ ਏ ਮਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਿਆਈ ਏ ਥੋੜੀ ਜੀ ਵਿਚਾਰੀ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਘਰ ਏ ਵਿਚਾਰੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਤੁੜੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਏ, ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਲੋਕੀ ਲੱਗਦਾ ਡੰਗਰ ਰੱਖਣੋ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਲੱਗਦਾ। ਕੀ ਕਰਾਂ ਪੁੱਤ, ਦੋ ਦੋ ਪੰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਮੇਰਾ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਰਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਸੁੱਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂ ਹਰਾ ਵੀ ਪਤਾ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੱਬਾ ਕ ਹਰਾ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਨੇਰਾ ਹਰਾ ਹੀ ਸੱਚ ਛੱਡਿਆ ਅੱਜ। ਹਰੇ ਨਾ ਮਿਲ ਨਾ ਸੂਤ ਆਉਂਦਾ, ਹਰਾ ਨੇਰਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕ ਹਰਾ ਪਾਈਏ, ਕਿਹੜਾ ਬੀਜਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਿਆਈਦਾ। ਤੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਾਤੀ ਅਸੀਂ ਕਰ। ਲਓ ਜੀ, ਜਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਉਚਾਈ ਸੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦਾਨ ਕਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। देखो भाइयो, कुछ दिन बाद आए हैं, ज्वार का बीज देखते हैं। बड़ी औगी है ज्वार, अब एक और पानी लगा रहे हैं इसको, एक दो दिन में और लगा देंगे। और यूरिया का भी छिड़काव करेंगे, क्योंकि इससे नाइट्रोजन मिलेगी, इससे बढ़त जल्दी बढ़ेगी। एक बार उग गई है, बढ़िया उग गई है। अब इसको पानी को दूसरा पानी लगाएंगे, कुछ टाइम रात को आती है लाइट, कुछ दिन में आती है, सब भर देंगे। फिर थोड़ी सी बड़े आएगी तब आपको दिखाएंगे कैसे कितना अच्छा वातावरण बन जाएगा यहाँ, वहाँ तक दूर दूर तक वो घर तक ज्वार का बीज ही बीजा हुआ है 3 एकड़ में। ये शिकारी भी हमारे साथ में ही रहता है, अपने सरदार का ध्यान रखता है। लाइट आ गई है भाइयो, पानी लगा दिया गया है। चलो अब देखते हैं, पिताजी बहुत जा रहे हैं, चलो हम भी चलते हैं। आयो कालू राम, देखो भाइयों, पानी लगाने के बाद ज्वार देखो बढ़िया
हो गई है। अब थोड़े दिन में थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, फिर आप बड़ी की बड़ी होने वाली की वीडियो दिखाएंगे, बड़े साइज की। बीज है हरी भूमि नाम का, बढ़िया बीज है।